नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मित्रा। भारत को घेरने के लिए चीन का मोहरा बना पाकिस्तान अब एक नई चाल चल रहा है। अपनी इस चाल को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान पड़ोसी देश श्रीलंका को अपना दोस्त बनाकर भारत को घेरना चाहता और इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड माना जा रहा है चीन। जानकार मानते हैं कि चीन की शह पर पाकिस्तान श्रीलंका से दोस्ती का हाथ बढ़ाकर भारत के सामने मुश्किलें खड़ी करना चाहता है। अब हम आपको पूरी खबर बताते हैं। दरअसल इमरान खान की कोलंबो यात्रा के एक महीने के अंदर ही श्रीलंका और पाकिस्तान की सेनाओं ने साझा युद्धाभ्यास का आयोजन किया। इस युद्धाभ्यास को श्रीलंका के उत्तरी मध्य प्रांत में सलियापुरा में आयोजित किया गया। अब खबर ये नहीं है कि श्रीलंका और पाकिस्तान एक साथ युद्धाभ्यास कर रहे, खबर यह है कि दोनों देशों के इस युद्धाभ्यास से भारत पर नकारात्मक असर हो सकता है। साथ ही श्रीलंका और पाकिस्तान के इस नए गठजोड़ से हिंद महासागर में चीन को ज्यादा ताकत मिल सकती है। भारत के लिए हिंद महासागर में बढ़ेगा खतरा। जानकारों का मानना है कि इमरान खान की श्रीलंका यात्रा से भारत के लिए हिंद महासागर में खतरा बढ़ सकता है। जानकारों का मानना है कि अगर श्रीलंका और पाकिस्तान एक साथ आए तो हिंद महासागर में रणनीतिक हालात बदल जाएंगे, क्योंकि एक तरफ भारत जहां इस क्षेत्र में अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो वहीं चीन भारत को रोकने की कोशिश कर रहा है। और अगर पाकिस्तान और श्रीलंका की दोस्ती आगे बढ़ती है तो हिंद महासागर में भारत की बढ़ती ताकत को धक्का लगेगा और चीन को उसका फायदा होगा। बड़ी बात यह है कि श्रीलंका के हम्बनटोटा में चीन पहले से मौजूद है। ऐसे में अगर पाकिस्तान भी श्रीलंका का दोस्त बनकर सामने आता है तो भारत के लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। श्रीलंका और पाकिस्तान की बढ़ती ये नजदीकियां इसलिए भी भारत की परेशानी को बढ़ा रही है, क्योंकि हाल ही में श्रीलंका ने कोलंबो के ईस्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट से भारत को बाहर कर दिया था। इस लिहाज से अगर श्रीलंका और पाकिस्तान की दोस्ती बढ़ी तो भारत के लिए हिंद महासागर में मुश्किलें बढ़ जाएंगी। 1971 के युद्ध में भी श्रीलंका ने पाकिस्तान की मदद की थी। श्रीलंका और पाकिस्तान की दोस्ती क्यों भारत की मुश्किलें बढ़ा सकती है, इसकी एक वजह 1971 का युद्ध भी, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी तब श्रीलंका ने ही पाकिस्तानी लड़ाकू जहाजों को तेल भरने की परमिशन दी थी। हालांकि बाद में भारत ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को बंगाल की खाड़ी में तैनात कर पाकिस्तान के लिए इस हवाई रास्ते को भी बंद कर दिया था, लेकिन श्रीलंका की पाकिस्तान से उस याराना को हर कोई जानता है। लिट्टे के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान ने दिए थे हथियार। श्रीलंका ने पाकिस्तान की ही नहीं बल्कि पाकिस्तान ने भी श्रीलंका की मदद की, क्योंकि जब श्रीलंका की लड़ाई आतंकी संगठन लिट्टे के साथ चल रही थी तब पाकिस्तान ने ही श्रीलंका की सेना को कई हथियार मुहैया कराए। दावा किया जाता है कि पाकिस्तान और चीन के उच्च तकनीकी सैन्य उपकरण और खुफिया सहायता के जरिए ही श्रीलंकाई सेना लिट्टे का खात्मा करने में सफल हो पाई थी। इसीलिए दोनों देशों के इन पुराने रिश्तों को देखते हुए कहा जा सकता है कि अगर ये दोनों एक साथ आते हैं तो भारत के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। वैसे भी हाल ही में श्रीलंका के सेना प्रमुख जनरल शवेंद्र सिल्वा ने पाकिस्तान को अपना सच्चा दोस्त बताया और कहा है, जब भी मुसीबत पड़ी तो पाकिस्तान ने उसका साथ दिया। इतना ही नहीं, कुछ दिनों पहले ही संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में जब श्रीलंका के खिलाफ मानवाधिकार हनन के प्रस्ताव को लाया गया था तब पाकिस्तान ने श्रीलंका का साथ दिया था और उसके खिलाफ वोट दिया, जबकि भारत इस वोटिंग से अनुपस्थित रहा था। इसीलिए ये दोस्ती भारत के लिए परेशानी खड़ी कर सकती। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।